हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन CBSE। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अबाउट सुपर न्यूमररी फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स इन IITs एंड NITs। देखो, सुपर न्यूमररी सीट्स जो है ना, ये क्यों आई, किस लिए आई, ये एक्चुअली मेल और फीमेल या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, जेंडर इक्वालिटी अगर बोलो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूँगा, ये जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया है फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स। तो इसका शुरुआत कब से हुआ, देखो मैंने एडमिशन लिया था 2017 में एडमिशन लिया था, और 2018 से फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो हमारे टाइम पे गर्ल्स बहुत कम थी, लेकिन हमारे ईयर के जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर हमारे जो जूनियर्स आए तो उनमें बहुत सारी गर्ल्स थी। तो लोग बोलते रहे क्या हो गया। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, अच्छा रिजर्वेशन डाला है तो फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स, मतलब उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि रिजर्वेशन हुआ है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। तो फिर अभी मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि अच्छा एक सीट होती है फीमेल सुपर न्यूमररी सीट, जिसे जिसमें गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलता है। तो क्या और कैसे मिलता है, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो एक्चुअली NITs IITs में होता क्या है कि ज़्यादातर फीमेल जो है नहीं पहुँच पाती है, एक तो कोचिंग करना, उसके बाद IITs NITs में जाना, तो कोचिंग करने में पैसा लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें, बाहर जाना पड़ता है आपको, तो उस वजह से गर्ल्स बाहर नहीं जा पाती हैं, और जो जा पाती हैं तो वो भी नंबर में बहुत कम है। तो उनको फिर IIT निकालना है, अगर उनसे IIT निकला तो फिर वो पहुंचेंगे IIT में, अगर नहीं निकला तो फिर वो भी नहीं पहुंचेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा समझ लो जेंडर इनइक्वालिटी होते जा रही थी IIT में, NIT में भी। तो इस तरीके से मतलब सीट को है ना बढ़ा दिया गया। एक्चुअली फीमेल को रिजर्वेशन देने से क्या फ़ायदा होगा, मेल का फिर रिजर्वेशन है वो घट जाएगा, मतलब रिजर्वेशन है मेल का सीट्स घट जाएगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन देखो फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स का मतलब क्या हुआ, सुपर न्यूमररी सीट्स का मतलब ये हुआ कि जितना काम चल रहा है उससे ज़्यादा कर दो। जो सपोज मेरे खाने का टाइम टेबल है या फिर मेरे खाने का एक अमाउंट है कि मैं 3 रोटी 4 रोटी खाऊंगा, लेकिन मैं 5 रोटी ले लूँ अपने पास, तो एक ज़्यादा ले लिया ना, 4 से 5 हो गया मैं। तो उसी तरीके से सुपर न्यूमररी सीट्स है कि पहले सीट्स जितनी थी उसमें से अलग से सीट्स डाल दिया उन्होंने और बोल दिया कि ये सीट जो है ये गर्ल्स के लिए ही है, अलग से सीट डाल दिया और बोल दिया ये गर्ल्स के लिए सीट है। तो एग्जांपल इसका दिया था उन्होंने कि सपोज पहले 45 सीट है जिसमें 43 इज़ फॉर मेल एंड 2 इज़ फॉर फीमेल। तो अभी क्या किया गया कि 5 सीट और अलग से डाल दिया गया, तो 45 + 5 50 सीट्स हो गए। लेकिन ये जो 5 सीट डाला गया है ना, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, पहले तो ऑलरेडी दो सीट्स ऑलरेडी थी, अब और 5 सीट्स डाला गया तो टोटल कितने हो गए, 7 सीट्स, और 7 सीट्स फॉर फीमेल, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए, 50, तो 50 सीट्स हो गए जिसमें से 7 सीट्स फीमेल के लिए हो गई। तो रिजर्वेशन कितना हुआ, 14%। तो इस तरीके से 2018 में 14% रिजर्वेशन था, 2019 में 17% रिजर्वेशन था, 2020 में 20% रिजर्वेशन हो गया। मतलब अगर 100 सीट है तो 20 सीट फीमेल के लिए होंगी। तो देखो इसमें कैसे 20 सीट्स फीमेल्स के लिए है ना, तो 20 सीट से अगर ज़्यादा, मान लो 100 सीट्स हैं और उस 100 रैंकर्स हैं, मतलब 1 to 100, तो उस 100 रैंकर्स में आपका फीमेल जो है मान लो 25 है, और 20 सीट इज रिजर्व, मैं 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ, 2020 के हिसाब से, कि 20 सीट इज रिजर्व फॉर वुमेन। अगर 100 सीट है तो 20 सीट तो वुमेन के लिए रिजर्व होगी, तो 20 सीट रिजर्व है आपके लिए वुमेन के लिए। तो अगर 25 गर्ल्स आ गई तो 20 सीट तो फीमेल कोटा से चली जाएंगी, बाकी जो 5 गर्ल्स बची है ना वो जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर न्यूट्रल वाले कोटा से जाएंगी, मतलब उनको फाइट करना पड़ेगा किससे, मेल के साथ, मेल के साथ तब जाके अगर सीट लेना तब जाके। तो इससे चांसेस वो बात आ रही थी ना कि नहीं मतलब अनडिजर्व कैंडिडेट्स को भी सीट चला जाएगा अगर वो गर्ल्स है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो उसे मतलब 20% सीट रिजर्व जो है वो तो उनके पास चली गई जो बढ़ाया गया था सीट, तुम्हारा जितना सीट था मतलब मेल्स का जितना सीट था वो तो सीट है ही है, जो बढ़ाया गया था वो तो फीमेल को गया। अब जो बचा हुआ है सीट्स मेल, उसमें अगर फीमेल कम्पीट कर पा रही हैं, अगर उसमें कंपटीशन दे पा रही हैं, तुमको पीछे छोड़ पा रही हैं, मतलब मेल को पीछे छोड़ पा रही हैं, तो फिर वो सीट्स फीमेल को जाएगा, अदरवाइज वहाँ पर तो भाई कोई भी जा सकता है ना। तो फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स का मतलब ये हुआ कि सीट्स जो जितनी थी पहले उतनी अभी भी हैं मेल के लिए, अभी क्या अलग से मैंने सीट बढ़ाकर डाल दिया, वो कह दिया कि फीमेल्स ही आएंगे उसमें मेल्स नहीं आएंगे। तो ये हो गई फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स। तो हर साल देख रहे हैं कि सीट्स इंक्रीज होते जा रही हैं, तो देखा जाए तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हाँ जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, मतलब इक्वल आ जाएगा, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे रिजर्वेशन होता है ना SC ST के लिए, OBC के लिए, वो कैसा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन।
अब तो रिजर्वेशन जनरल के लिए भी है लेकिन बैकवर्ड कास्ट मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए, तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से एक कर देते हैं मतलब थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को, क्या बोलूँगा, बढ़ावा दे देते हैं, बाद में जब ठीक हो जाएगा तो फिर ख़त्म कर देंगे। रिजर्वेशन आई थिंक इन माई ओपिनियन इज़ नॉट ए गुड थिंग, लेकिन ऐसे केस पे कुछ टर्म्स के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, जैसे के लिए 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, उसके बाद 20 ईयर्स के बाद रिजर्वेशन को एबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इतने टाइम तक कि आपको टाइम मिलेगा, आप फटाफट उतना पेस में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे, जब आप पहुँच जाओगे वहाँ तक तो फिर आपके पास ठीक है, आप मतलब इक्वली कम्पीट कर सकते हो, फिर जब इक्वली कम्पीट कर सकते हो तो रिजर्वेशन वाली कोई ज़रूरत नहीं। देखो रिजर्वेशन से क्या होता है कि डिग्रेड होता है, क्वालिटी डिग्रेड होता है, इसलिए मैं रिजर्वेशन के साथ नहीं खड़ा हूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन देना चाहिए क्योंकि वो बंदा एक ऑलरेडी पीछे है, या फिर मतलब फीमेल जो सुपर न्यूमरी सीट्स वाली बात आई तो वो ऑलरेडी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, तो एक बार रिजर्वेशन दो, कुछ अच्छा कर पाएंगी अगर वो खुद को संभाल पाएंगे, मतलब संभाल पाएंगे मतलब आप जेंडर इक्वालिटी इक्वल आ जाएंगे, 50% गर्ल्स 50% मेल, अगर ऐसा हो गया आई टीम तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद फिर रिजर्वेशन खत्म कर देना। तो इस तरीके का अगर सीन होता है तो बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्या है कि सोसाइटी में तो इक्वली दोनों है ना, मेल और फीमेल, तो इस हिसाब से होना चाहिए रिजर्वेशन। तो ये तो थी सुपर न्यूमरेरी सीट्स के बारे में, और कुछ बारे में पूछना हो अगर आपके आप तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, और अगर आपको कुछ जानकारी हासिल करना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, एंड फाइनली अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।